हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन आज हम वापस से लेके आए हैं यूनिट नाइन के लिए कुछ स्पेशल अच्छे से टॉपिक जो पढ़ने में बहुत ज्यादा हैवी भी, भी नहीं लगे और मजेदार हो और आता भी है एग्जाम में जो है बर्ड्स के बारे में पूछा जाता है कि कौन से बर्ड्स की क्या लोकेलिटी है यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट बर्ड्स में आपको बताने जा रही हूँ बट ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सीधे आपसे ये स्टेट बर्ड कौन सा है या आपसे सीधे ये नहीं पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र का बर्ड्स कौन सा है आपसे पूछा जाता है किस तरह से आपसे पूछा जाता है यूनिट नाइन सी एस आई आर लाइफ साइंस के एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है कि आ, ये एक्स वाई जेड बर्ड जो हैं वो कौन से एरिया में पाए जाते हैं उनकी जो रिचनेस है वो कौन से एरिया में है या वो किस नेशनल पार्क में है और स्पेशली उन बर्ड्स के लिए पूछा जाता है जो आयुसियन रेड लिस्ट में है तो सबसे पहले हम अगर, अगर अपने नेशनल बर्ड्स की बात करें तो नेशनल बर्ड जो हमारा है वो इंडियन पीकॉक है पावो क्रिस्टस जो है इसका साइंटिफिक नेम है अगर मैं आगे की तरफ बढूं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो है स्टेट uh, बर्ड वो है रोज रिंग पैराकिट रोज रिंग पैराकिट जो है जिसको हम नॉर्मली तोता बोलते हैं वो आंध्र प्रदेश का क्या है स्टेट uh, बर्ड है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बर्ड है तो इसको याद कैसे करना है आंध्र है तो आंध्र के लिए अंधेरा बोलेंगे रोज रिंग है तो बोलेंगे कि अंधेरे में रोज एंड रिंग देखे पैराकिट है तो हम बोल देंगे प्रपोज किता तो अंधेरे में रोज एंड रिंग दे के प्रपोज किया लाइन याद रखा रहेगा कि अंधेरे में किसी ने रोज और रिंग दे के किसी को प्रपोज किया है तो आप आराम से बोल याद रख सकते हो कि अंधेरे में रोज एंड रिंग दे के प्रपोज किया रोज और रिंग पैराकिट रोज रिंग पैराकिट जो है वो कॉमन है उसके बाद अगर मैं असम की बात करूं तो असम वाले एरिया में ये वाइट विंग वुड डग बहुत कॉमनली मिलते हैं और असम में असम ने इसे क्या बना रखा है अपना स्टेट सिंबल बना रखा है और ये आयु के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है इंडेंजर्ड है मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि पूछा जा सकता है कि वाइट विंग वो डक इनमें से कौन सा जो है इंडेंजर्ड है चार पांच आपको आ, लिस्ट दे दिए जाएंगे और आपको याद रखना होगा कौन सा वाला इंडेंजर्ड है तो ध्यान में रख लीजिए कि व्हाइट विंग वुड डग जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये असम का स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है और मिलता भी ये कहाँ है कौन से नेशनल पार्क में मिलता है असम के नेशनल पार्क में डिब्रू धिंग पटकाई नामेरी नामदापा और मानस ये सारे नेशनल पार्क में आपको असम के नेशनल पार्क में मिलेगा कौन कौन से दिब्रू साइकोहा दिंग नामेरी, नामधापा और मानस ये पांचों नेशनल पार्क में आपको वाइड विंग डक मिलेगा कैसे याद करना है इसके इसका असम से रिलेशन तो आपको याद रखना है जैसे आप याद रखते हो डब्लू डब्ल्यू वैसे ही याद रखना है डब्ल्यू इंडिया याद रखते हो वैसे ही डब्ल्यू डब्ल्यू डब्लू डी आसाम डब्ल्यू डब्ल्यू डी आसाम ठीक या थ्री डब्ल्यू डी आसाम याद कर, कर सकते हो थ्री डब्ल्यू मतलब तीन डब्ल्यू और डी आसाम तो आपको व्हाइट विंग्ड वो डग जहां भी दिखेगा आप समझ तुरंत असम को याद करना और असम के सारे नेशनल पार्क में ये मिलता है और इंडेंजर्ड है उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडियन रोलर की तो इंडियन रोलर को तीन स्टेट्स ने अपना रखा है कर्नाटक तेलंगाना और उड़ीसा इन तीनों ने इसे अपना स्टेट सिंबल बनाया है और ये कोई कंसर्न वाली बात नहीं है क्योंकि ये इंडियन रोलर जो है अभी लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है और आसानी से उत्तर प्रदेश में कॉर्बेट नेशनल पार्क में सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी में राजा जी नेशनल पार्क में देखा जा सकता है वाइल्ड वाइल्डलाइफ सेंचुरी नागर होल नेशनल पार्क और मध्य प्रदेश में कान्हा आ, नेशनल पार्क जो है उनमें देखा जाता है इंडियन रोलर उसके बाद अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश और केरला यहाँ ग्रेट हॉर्नबिल ग्रेट हॉर्नबिल इनका क्या है स्टेट रेप्रेजेंटेटिव है इन्हें कॉमनली हम बनराव भी बोलते हैं ग्रेट हॉर्नबिल को बनराव बोलते हैं बनराव मतलब बन का राव यानी बन का राजा यानी किंग ऑफ द जंगल तो ग्रेट हॉर्नबिल उनको क्या बोला जाता है कॉमनली किंग ऑफ द जंगल बोला जाता है ये वनरेबल की कैटेगरी में है यानी अगेन आपको इनपे ध्यान देना पड़ेगा यानी आपको इनको याद रखना पड़ेगा आपको ध्यान देने का मतलब आपसे नहीं बोल रही हूँ कि आप जाइए और सेवा करिए इनको बचाइए नहीं ये कह रही हूं कि आपके लिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि याद रखना कि ग्रेट हॉर्नबिल जो है वो वनरेबल है अच्छा कहाँ मिलेगा तो मैं बताऊं कि ये एक जो है अरुणाचल प्रदेश यानी नॉर्थ ईस्ट से ने बनाया है इसको और एक केरला यानी साउथ इंडिया ने यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया दोनों के एक एक स्टेट ने इसको अपना बनाया यानी अरुणाचल प्रदेश और केरला ग्रेट हॉर्नबिल तो ये मिलेगा भी कहा नॉर्थ ईस्ट में और साउथ इंडिया में साउथ इंडिया बोले तो वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा तो वेस्टर्न घाट या साउथ इंडिया में बोलूं तो ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में मिलता है आपको और डांडेली नेशनल पार्क में भी मिलता है इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो मैं कांजीरंगा नेशनल पार्क नामदापा नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क और पाके नेशनल पार्क में मिलता है कैसे याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश और केरला दोनों के लिए ग्रेट हॉर्नबिल बिल ही जरूरी है मतलब ग्रेट हॉर्नबिल बिल ही स्टेट एंड बर्ड है तो आपको याद रखना है अरुण केरला किसी का नाम समझ लो कि अरुण केरला है और वो क्या है द ग्रेट बिल द ग्रेट बिल या बिल ग्रेट कुछ भी याद कर लेना अरुण केरला द बिल ग्रेट ठीक तो ऐसे करके याद कर सकते हो कुछ भी ऐसे ही अंड कुछ भी करके याद कर लो ठीक तो अरुण नाचल प्रदेश केरला दोनों के लिए है ग्रेट हॉर्न बिल ग्रेट बिल करके याद कर सकते हो अरुण केरला ग्रेट बिल तो आपको याद रहेगा ग्रेट हॉर्न बिल ठीक ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये वनरेबल है और कहाँ मिलते हैं इन्हीं दो स्टेट्स के आजू बाजू यानी अरुणाचल प्रदेश है यानी नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा केरला है यानी साउथ इंडिया में मिलेगा उसके बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़ और मेघालय पे छत्तीसगढ़ मेघालय दोनों ने एक ही बर्ड को लिया है वो है हिल मैना और हिल मैना अगेन लीस्ट कंसर्न क्या है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और हिल मैना आपको पूरी इंडिया में दिखाई देती है इंडिया के अलावा ये भूटान चाइना म्यांमार नेपाल थाईलैंड सब जगह कॉमन है आराम से देखी जाती है तो ये आपकी पूरी इंडिया में दिखाई दे आती है और लीस्ट कंसर्न वाली बर्ड है उसके बाद गोवा की बात करते हैं गोवा के लिए इसके इससे तो क्वेश्चन आ भी चुका है फ्लेम रूबी थ्रोटेड बुलबुल से तो फ्लेम रूबी थ्रोटेड बुलबुल पूछा गया है कि ये कहाँ पाई जाती हैं तो ये पाए जाती हैं सदर्न पेनीसुलर इंडिया पेनिसुलर इंडिया किसको बोलते हैं पेनिसर पेनिसला किसको बोलते हैं पहले ये समझो पेनिसुला उस एरिया को बोलते हैं जहां जहां लैंड सरफेस तीन तरफ से पानी से घिरा हो यानी तीन तरफ से वो ओशियन से घिरा हो तो उसको हम बोलते हैं पेनेसुला ठीक जैसे इंडिया का साउथ रीजन जो है इंडिया का साउथ रीजन जो है वहां पे तीन तरफ से ये क्या है कोस्टल एरिया है तीन तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है और अगर ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है यानी ये क्या है पेनेसुला एरिया है तो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल बुल जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है सदन पैनिस इंडिया में पाई जाती है और बड़ी बात कि ये यही की एंडेमिक स्पीशीज है क्या है एंडेमिक स्पीशीज यानी नेटिव है ये वहां की नेटिव है तो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल आपको सदन पेनसुलर इंडिया में मिलती है अगेन ये लीस्ट कंसर्न की है, है ना कहा मिलेगा ईस्टर्न कर्नाटक गोवा केरला तमिलनाडु ठीक गोवा के लिए गोवा के से तो आप याद रख ही सकते हो कि ये साउथ इंडिया से आपको बिलोंग करके मिलेगा साउथ इंडिया सदर्न पैनेसुल इंडिया में मिलेगा अच्छा गोवा का स्टेट बर्ड है ये कैसे याद रखना है तो नाम में है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल फ्लेम थ्रोटेड क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो थ्रोट है थ्रोट वाला एरिया है वो किस कलर का है आग की कलर का है आग फायर की कलर का है इसलिए हम बोल रहे हैं इसको और आ, फायर का ही कलर होता है रूबी का भी रूबी जो हम हिंदी में माने के बोलते हैं एक जेमस्टोन होता है तो फ्लेम और रूबी के कलर का इसका थ्रोट है इसलिए हम बोलते हैं फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल याद कैसे रखना है कि फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल कहाँ मिलेगा तो गोवा के बीचेस पे अगर हम जाएंगे तो गोवा के बीचेस पे इस तरह के शो होते हैं फायर शो या फ्लेम शो होते हैं तो ये फ्लेम शो से ही आप याद रख सकते हो कि गोवा में फ्लेम शो होते हैं और वहां पे फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल मिलता है उसके बाद गुजरात का जो स्टेट बर्ड है वो ग्रेटर फ्लैमिंगो है और इसको याद कैसे रख सकते हो गुजराती गर्लफ्रेंड ऐसे गुजराती जीएफ करके याद कर सकते हो तो गुजरात का जो स्टेट बर्ड है वो है ग्रेटर फ्लैमिंगो ग्रेटर फ्लैमिंग जो है वो अगेन लीस्ट कंसर्न है लीस्ट कंसर्न है और ये आपको मिलता भी कहाँ है गुजरात और तेलंगाना में ठीक गून्स के पास ही मिलेगा जनरली वॉटर्स के पास ही मिलेगा वॉटर लगून के पास ही मिलेंगे इसलिए ये मिलते हैं गुजरात और तेलंगाना में या, याद कैसे रखना है गुजराती गर्लफ्रेंड ठीक हरियाणा में आपका मिलता है ब्लैक फ्रेंकोलिन इनको हम हिंदी में बोलते हैं काला तीतर काला तीतर कितना कॉमन दाल चावल जैसा नाम लगता है कि काला तीतर है काला तीतर लेकिन नाम देखो इंग्लिश में जाके वो अच्छा हो जाता है ना ब्लैक फ्रेंकोलिन कैसे बोलते हैं मोमो मोमो मो है ना और इंग्लिश में डिम्सम्स ठीक तो हाई फाई लगने लग गया डिमसम और मोमो वही अपना प्यारा मोमो फॉरेन में जाके अंग्रेजी भाषा में डिम्सम्स हो गया तो वैसे ही ये हमारा काला तीतर जो है ये अंग्रेजी में ब्लैंक ब्लैक फ्रेंकोलिन हो गया क्या ब्लैक फ्रेंकोलिन हो गया ये भी लीस्ट कंसर्न है कहां, कहां मिलता है एशिया ईरान तुर्की बांग्लादेश सब जगह मिलता है ये स्टेट बर्ड है हरियाणा का ठीक बहुत ज्यादा दिमाग में रखने जैसी चीज नहीं है क्योंकि लीस्ट कंसर्न है और इजिली अवेलेबल है तो काला तीतर पे इतना ध्यान जाएगा नहीं हैरी इसको याद रखना भी हो तो हरियाणा के लिए हैरी याद कर लो और ब्लैक फ्रेंकोलिन में से सिर्फ फ्रेंकोलिन याद कर लो तो हैरी फ्रेंकोलिन से आपको याद रहेगा कि हरियाणा ब्लैक फ्रेंकोलिन के लिए है इसके बाद अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो है वेस्टर्न ट्रैगोपैन वेस्टर्न ट्रैगोपैन अगेन जो है वो वनबल की कैटेगरी में आता है वेस्टर्न ट्रैगोपैन जो है वननेबल की कैटेगरी में आता है कैसे याद रखना है कि ये हिमाचल वाले रीजन में मिलेगा उसको याद रखना है हिमाचल हिमाचल या हेमाचल कुछ भी लड़की का नाम बता दो हिमाचल वेस्टर्न ट्रैक ओपन कर यानी वेस्टर्न ट्रैक पश्चिम में जो भी रास्ता हो उसको ओपन कर खोल दे वेस्टर्न का जो सड़क है ट्रैक है उसको ओपन कर तो ऐसा लाइन याद कर सकते हैं कि हिमाचल वेस्टर्न ट्रैक ओपन कर तो वेस्टर्न ट्रैक ओपन कर मतलब वेस्टर्न ट्रैक ओपन मतलब वेस्टर्न ट्रैग ओपन ठीक याद हो जाएगा ठीक कहाँ मिलता है वेस्टर्न ट्रैगोपान वेस्टर्न ट्रैगोपान मिलता है कश्मीर हिमाचल प्रदेश पहाड़ों वाले रीजन में ठीक तो आपको याद रखना है हिमाचल पहाड़ में है पहाड़ों वाले रीजन में ही वेस्टर्न टैगोपैन मिलेगा आपको ठीक इसके अलावा अगर नेशनल पार्क्स की बात करें तो कहां मिल रहा है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में वहीं ये वेस्टर्न टैगोपैन आपको देखने को मिलेंगे अगर नेशनल पार्क्स की बात की जा रही है तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न टैगोपैन आपको देखने को मिलेंगे और वनरेबल है ये वेस्टर्न टैगोपैन इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप इसको याद रखो उसके बाद अगर मैं बात करूं झारखंड और पुडुचेरी की तो यहाँ ये कोयल जो कोयल सितेरी बोली वाली कोयल होती है उसको इन लोगों ने अपना रखा है उसको इन लोगों ने स्टेट बर्ड बना रखा है झारखंड और पुडुचेरी दोनों ने और ये जो है वो लिस्ट कंसर्न है ऑलमोस्ट एवरीवेयर इंडिया पूरे इंडिया में कहीं भी देखने को मिल जाएगी यूपी बंगाल बिहार साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट सब जगह देखने को मिलेगी तो टेंशन लेने की बात नहीं है इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे फिर मध्य प्रदेश में आते हैं मध्य प्रदेश का रिप्रेजेंटेटिव है पैराडाइज फ्लाई केचर और ये भी लीस्ट कंसर्न है पैराडाइज फ्लाई कैचर लेकिन ये ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका नेटिव जगह जो है वो कहाँ कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए ये बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा एशिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे सेंट्रल एशिया म्यांमार में और क्योंकि मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड है तो मध्य प्रदेश में भी आपको ये मिल जाएगा फिर उसके बाद महाराष्ट्र और त्रिपुरा के पे आते हैं महाराष्ट्र और त्रिपुरा का जो आ, स्टेट बर्ड है वो है ग्रीन इम्पीरियल पीजन ठीक ग्रीन इंपीरियल पीजन कैसे याद रखना है इसको याद रखना है कि जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को बोल रहा है माँ हरा कबूतर ट्री पर ट्री मतलब पेड़ पेड़ पर ट्री पर इसको त्रिपुर लिखा है तो त्रिपुर नहीं पढ़ना है इसको पढ़ना है ट्रीपर ताकि मां हरा कबूतर ट्रीपर पेड़ पर नहीं बोल सकते पर ताकि याद रखना है ना ट्री त्रिपुरा याद रखना है तो माँ हरा तो उससे पता चल गया कि ये महाराष्ट्र से है हरा फिर से पता चल रहा है कि ये हरा और कबूतर मतलब पीजन हरा कबूतर ग्रीन इंपीरियल पीजन कहाँ पे त्रिपुर त्रिपुर या त्रिपुरा ठीक ट्री पर है तो त्रिपुरा इससे याद हो जाएगा तो माँ हरा कबूतर पर ये याद रख लो और इसके बारे में पूछा जा सकता है ग्रीन इंपीरियल पीजन के बारे में कि ये कहाँ पाया जाता है कौन सी नेटिव जगह है इसकी तो ये पहले तो क्यों क्यों पूछा जा सकता है क्योंकि ये नियर थ्रेटन है नियर थ्रेटन है लिस्ट में है तो पूछा जा सकता है कहाँ तो ये मिलेगा आपको वेस्टर्न घाट पे साउथ और ईस्ट इंडिया में ठीक वेस्टर्न घाट पे भी मिलेगा सदर्न इंडिया में भी मिलेगा ईस्ट इंडिया में भी मिलेगा आपको बेसिकली uh, uh, ये जो आपका त्रिपुरा है वो नॉर्थ ईस्ट से है तो आपको याद रखना है कि त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में है उसका रिप्रेजेंटेटिव ग्रीन इंपीरियल पीजन है तो ये नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा महाराष्ट्र जो है आपका सदर्न पैनिसर इंडिया या वेस्टर्न घाट्स के पास ही पड़ता है तो आपको याद रखना है कि ये पक्षी जो है आपको वेस्टर्न घाट्स में इजीली मिल जाएगा ठीक तो महाराष्ट्र और त्रिपुरा यहाँ पे यही आपको इंडिकेशन देख रहे हैं कि अगर मुझे ग्रीन इम्पीजियल पीजन का लोकेशन जानना है तो वो लोकेशन हो जाएगा महाराष्ट्र से ये सदर्न इंडिया वेस्टर्न घाट वाला और त्रिपुरा से हो जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में भी ये पाया जाता है ठीक तो देखो स्टेट बर्ड याद करने के दो फायदे हो रहे हैं एक तो आपको बर्ड्स की उनके वो नेटिव जगह पता चल जा रही है कि वो कहाँ पे रहते हैं कहाँ उनका जो आशियाना है हैबिटेट है वो होता है और दूसरा पता चल रहा है कि वो कौन से नियरली थ्रेटन थ्रेटन आयुसियन वर्नरेबल वल, कौन सी कैटेगरी में है प्लस हम याद करने के ट्रिक्स भी देख रहे हैं साथ साथ में ऐसे ही मणिपुर और मिजोरम की बात की जाए तो मणिपुर और मिजोरम के लिए मिस ह्यूम्स मिसेस ह्यूम्स फीजेंट ह्यूम्स फीजेंट जो है ये मोर जैसा दिखने वाला पक्षी है ये इसको बोलते हैं हम मिसेज ह्यूम्स फीजेंट ये नियर थ्रेटन की कैटेगरी में है और इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जितने नियर थ्रेटन वालेबल हैं उनको याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है एंडेंजर्ड हैं उनको याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ये नियर थ्रेटन की कैटेगरी में है इसको याद कैसे रखना है इसको याद रखना है मि मिजोरम के लिए मिस 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 बोल रहे हैं तो हमें साउंड कर रहा है कि मिस बोल रहे हैं ना मिस और मनी के लिए मनी मिस मनी एंड मिसेस यू मिस मनी एंड मिसेस यू ऐसा करके इसको याद कर सकते हो कि ये मणिपुर और मिजोरम से है मिसेस यूम्स फीजन ठीक और ये आपको मिल जाता है क्योंकि ये दोनों ही नॉर्थ ईस्ट के हैं तो ये हमें मिलेगा नॉर्थ ईस्ट के पार्क में कौन से पार्क में ईगलनेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश और कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में इसके अलावा इसकी लोकेशन इंडिया में मिजोरम पटकाई रेंज मणिपुर इन जगहों पे है जहाँ की ये स्टेट बर्ड है वहां पे ये पाए जाते हैं इसके अलावा अगर बात की जाए तो म्यांमार और थाईलैंड में भी ये मिलते हैं नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड के लिए आप याद कर सकते हो ग्रे बैलेट रैको पैन ठीक अभी हमने वेस्टर्न ट्रैगो पैन देखा था अभी ग्रे वैलिट ट्रैगो पैन ठीक क्योंकि इसकी बैली क्या है ग्रे कलर की है तो हम इसको बोल रहे हैं ग्रे वैलिट ट्रैगो पैन और ग्रे वैलिट ट्रैगो पैन जो है इसको कैसे याद करना है नागा जीबीटी करके याद करना है नागा जीबीटी याद कर लो ग्रे वैलिट टी फॉर ट्रैगो पैन ग्रे वैलिट ये वन की कैटेगरी में है अगेन मिलता कहाँ है ट्रैगो पैन हिमाचल प्रदेश में मिलेगा कॉमन सी बात है वहां पे वेस्टर्न टैको पैन मिल रहा था तो ग्रे वैलिट टैको पैन भी मिलेगा और मिजोरम में भी मिलता है ये ठीक फिर पंजाब का है गूज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मतलब फैंसी इंग्लिश में बोल सकते हैं नदन गोशॉक ठीक तो एक्चुअली में गोशॉक जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है गूज हॉक ठीक तो गूज हॉक किसको बोलते हैं बाज को बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में हम चलते फिरते बोल देते हैं बाज जा रहा है बाज जा रहा है लेकिन इंग्लिश में फैंसी हो जाता है गूज हॉक और उससे भी ज्यादा फैंसी गोक ठीक तो ये जो है लीस्ट कंसर्न है ईजीली मिल जाता है फिर उसके बाद राजस्थान पे आते हैं राजस्थान का स्टेट बर्ड जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है वो है ग्रेट इंडियन बास्टर्ड और उसको याद कैसे रखना है राजस्थान से राजा उठा लो जीआई से जी बना लो और बस्टर्ड कर दो राजा जी बस्टर्ड राजा जी बस्टर्ड राजा जी बस्टर्ड, राजा जी बस्टर्ड, राजा जी बस्टर्ड याद हो गया ठीक राजाजी बस्टर्ड यानी राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलेगा ये तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है कहाँ पाया जाता है भाई राजस्थान का बर्ड है तो राजस्थान में पाया जाना चाहिए तो राजस्थान में पाया जाता है उसके बाद आसपास के इलाकों को टारगेट कर लो वहां पाया जाएगा राजस्थान गुजरात फिर थोड़ा पॉपुलेशन महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है लेकिन सबसे ज्यादा पाया जाएगा राजस्थान एंड गुजरात में और अब अगर मैं बोलूं कि किस नेशनल पार्क में कंद भाई एंडेंजर्ड है तो नेशनल पार्क तो कदम उठाए होंगे उनको बचाने बुचाने के लिए ठीक तो नेशनल पार्क कौन से हैं डेजर्ट नेशनल पार्क और कच्छ बस्टर नेशनल पार्क एक जो है राजस्थान में है डेजर्ट नेशनल पार्क और कच्छ वाला जो है वो तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ही है तो राजस्थान गुजरात में ये मिल रहे हैं आपको फिर सिक्किम में आपका है ब्लड फीजन ये लेस्ट कंसर्न है सिक्किम का जो है वो ब्लड फीजन लेस्ट कंसर्न है फिर उसके बाद हम आते हैं तमिलनाडु पे यहाँ पे इमराल्ड डब इमराल्ड डब तमिलनाडु का जो है इमराल्ड डब जो है इनका अ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है ये लीस्ट कंसर्न है बट आप याद रख सकते हो क्योंकि ऐसे जो फैंसी नेम्स होते हैं इमराल डव ये टाइप के पूछे जाते हैं कि भाई इमराल डैलिटी में पाया जाता है ठीक मे भी ये लिस्ट कंसर्न है बट ऐसा फैंसी नेम है तो पूछा जा सकता है कि इमराल डव कहा पाया जाता है और आपने पता ही नहीं है कि भाई ये तो अपने ही वहां का पक्षी है और अपने ही वहां का पक्षी और कहा मिलता है भाई तमिलनाडु में यानी साउथ में मिलेगा वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा ठीक वेस्टर्न घाट याद कर लेना साउथ का है वेस्टर्न घाट कुछ भी साउथ का हो तो तुरंत याद कर लो सदर्न पेलर इंडिया या फिर वेस्टर्न घाट में मिल जाएगा महाराष्ट्र से लेकर साउथ तक जितना मिलेगा सबके लिए बोल दो कि वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में मिलेगा फिर उसके बाद उत्तराखंड उत्तराखंड के लिए हिमालयन मोनल है हिमालयन मोलन मो, मोनल ठीक हिमालयन मोनल जो है वो उत्तराखंड का स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि ये हिमालयन है तो जरूरी आ, सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है ये है तो लिस्ट कंसर्न रिप्रेजेंट करता है उत्तराखंड को लेकिन पूरे हिमालयन में हिमालय में पाया जाता है पूरे हिमालय वाले रेंज में पाया जाता है इसीलिए इसको क्या बोले हिमालयन मोनल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है उत्तराखंड में पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है सिक्किम में बंगाल में सब जगह पाया जाता है लीज कंसर्न है फिर उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में क्या फेमस है बच्चों यूपीएससी का एग्जाम और यूपीएससी के एग्जाम से आप याद रख सकते हो कि उत्तर प्रदेश का जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है वो एस है यानी सारस क्रेन है यूपीएससी याद रख लो सारस क्रेन ये वनरेबल की कैटेगरी में है और ये आपको मिलता है केवला देव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में ठीक ईजिली जो है मतलब इनका कॉमन नेटिव जगह जो है वो उत्तर प्रदेश है बिहार है राजस्थान है असम है उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान असम है लेकिन अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में मिलता है फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो यहाँ पे व्हाइट थ्रोट किंग फिशर जो है वो फेमस है तो अगेन बंगालीज जो हैं फिर से वहां पे एनिमल में क्या थे कैट uh, फिश पे आ गए थे कैट कैट कैचर फिश जो था वो था यहाँ पे क्या है किंग फिशर है अगेन फिश पे ही आ गए फिशर ठीक किंग फिशर है और ये किंग फिशर कैसी है वाइट थ्रोट वाली है देखो ये वाइट थ्रोट वाली किंग फिशर इनकी जो है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है इसको याद करना कि गोरी बंगाली या व्हाइट बंगाली किंगफिशर कैसे भी याद कर लो व्हाइट बंगाली किंगफिशर या गोरी बंगाली किंगफिशर ये लिस्ट कंसर्न है तो उसके बाद अंडमान निकोबार की बात की जाए तो अंडमान का जो है लकड़ी वाला कबूतर लकड़ी की काठी काठी का कबूतर बूड कबूतर अंडमान का बूड पीजन जो है वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है ये नियर रिटर्न है अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बूड पीजन आपके लिए नियर थ्रेटन है और अंडमान का है तो अंडमान के आसपास वाले एरिया में इजीली पाया जाएगा जैसे साउथ अंडमान निकोबार आइलैंड इन सब जगहों पे पाया जाएगा अंडमान वुड पिजन ठीक चंडीगढ़ की इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है ये अगेन लीस्ट कंसर्न है गिर नेशनल पार्क और कहा बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ये पाया जाता है फिर लक्षद्वीप के लिए सूटी टर्न है ये लीस्ट कंसर्न है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए ब्लैक नेग्ड क्रेन है ब्लैक क्रेन है ये क्रेन है काली गर्दन वाला क्रेन ठीक यूपी का क्या था सारस क्रेन था यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का फिर से क्रेन है लेकिन कैसा क्रेन ब्लैक गर्दन वाला क्रेन ठीक कहा मिलेगा ये हिमालय पे मिलता है पूरे हिमालय पे मिलेगा आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर लद्दाख नहीं पूरे हिमालयन रीजन में आपको ईजिली मिल जाएगा ब्लैक नेक क्रेन क्यों क्योंकि ये बुद्धिज्म के लिए तिब्बती तिब्बतियों के लिए या बुद्धिज्म के लिए बहुत कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखता है और इसलिए वो लोग इनका ध्यान भी देखते हैं प्रोटेक्ट करते हैं इनको ये तिब्बतन प्लेट पे मिल जाएगा चाइना में भी मिलेगा लद्दाख में भी मिलेगा ईस्टर्न लद्दाख जो कि इंडिया में है वहां मिलेगा ठीक और ये आ, इन इनको जो है विंटर पसंद होता है इसलिए ये इसी बेल्ट में मिलते हैं जहां भी ठंडी ठंडी होती है अच्छी खासी वहां मिलते हैं और इनको रखा कहा गया है इनको रखा जाता है चांग थांग चांग डेजर्ट थांग, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कहाँ है लद्दाख में है चांग थांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक उसके बाद दिल्ली और बिहार का जो है वो मासूम सा गौरैया जो हमारे घरों में खिड़कियों पे हमेशा दिखता है बालकनी में दिखता है ये गौरैया जो है ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है और दिल्ली सरकार और बिहार सरकार ने सीधे साधी गौरैया को अपनाया है अपना स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए ये यहाँ पे लिस्ट में शॉर्ट में सबको एक बार में दिखा दिया गया है कि किस स्टेट का क्या रिप्रेजेंटेटिव है और बस इसके साथ जो है आज का जो है वीडियो खत्म होता है अगली सीरीज में हम लेके आएंगे इंडिया के हर स्टेट के नेशनल पार्क की लिस्ट और उनको याद करने का ट्रिक्स ठीक तो बने रहिएगा हमारे साथ और पढ़ते रहिए यूनिट नाइन बायोडाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स बाय एवरीवन